हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राधे कृष्णा, कैसे हो आप सब? तो डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता लग ही गया है, पिछले कल हमने ब्लॉग डाला था और उसमें हमने करी थी ढेर सारी शॉपिंग। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग कहाँ गए थे। वैसे तो पतिदेव ने आपको बताया था, लेकिन कुछ सब्सक्राइबर्स को पता नहीं लगा था कि हम लोग कहाँ गए थे। तो हम लोग गए थे धर्मपुर। तो ये सोलन वाला धर्मपुर नहीं है, ये डिस्ट्रिक्ट मंडी में है। तो हम लोग यहाँ गए हुए थे, हमारे घर से 10-12 किलोमीटर की दूरी पर है ये। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना जांच परख कर लें, कपड़े वगैरह देख लें कि किस तरह के लेने हैं और किस तरह के नहीं। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पहुँचे थे तो मम्मी जी के भाई, उनके कज़न, तो ये मिल गए थे रास्ते में ही। तो मम्मी जी लग गए थे उनके साथ बातचीत करने और हम लोग पी रहे थे गन्ने का जूस। और साथ में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे बस स्टैंड के पास ही डिग्री कॉलेज भी है। तो ये देखिए, और जैसे ही हम लोग फिर अपने घर पहुँचे तो सानवी और मृदुल, उनका सारा परिवार आया हुआ था हमारे घर में। मैचिंग मैचिंग महिला कोई एक साइड दीजो, एक जो एक मेन का जो कहीं एक तो जो हम चल रही है। आपने फोन किया, मेरे को समाचार सुना मेरे से यार, बटन कितने हैं इसमें? मैचिंग बटन सब कुछ मैचिंग। बिट्टू ये बटन कितने हो इसमें? बिट्टू सांस ले लिया। तो जैसे ही सानवी मृदुल घर पर पहुंचे तो इनकी शरारतें भी शुरू हो गई। और हम तो हैरान थे इनकी ड्रेस देख के, क्योंकि दोनों पापा और बेटे की ड्रेस थी सेम, तो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहे थे दोनों। फिर ये रात को ही वापस हो गए थे। सरकार क्या हुआ? तो डियर फ्रेंड्स, घर में आए हुए हैं मेहमान, तो उनकी खातिरदारी भी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम मसाले भून रहे हैं, फिर इनको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे हम लोग, फिर इनका अच्छी तरह से पाउडर बन जाएगा और सब्जी में डालेंगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्ट भी आएगा। तो हम लोग इसी तरह से मसाले तैयार करते हैं, इनको अच्छी तरह से तवे पे भून लेते हैं, फिर मिक्सी में इनको ग्राइंड कर लेते हैं अच्छी तरह से। तो हम इस तरह से ये साबुत जीरा धनिया लेते हैं, फिर उनका अच्छी तरह से पाउडर बनाते हैं। वैसे तो दुकान में भी मिल जाता है इनका पाउडर, लेकिन हम इनको अपने हाथों से ही बनाते हैं। तो मेहमानों को खिलाएंगे आज बहुत ही टेस्टी खाना। तो फिर इसके लिए, टेस्टी खाने के लिए ये सब तो करना ही पड़ेगा। तो चलिए, पतिदेव यहाँ पर मेरी हेल्प कर रहे थे, तो मैं यहाँ पर बताती हूँ कि पतिदेव ने किस तरह से इनका पाउडर बनाया है। ये देखिए, मसाला है तैयार 2 मिनट में। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ढेर सारा मटर है। तो ये हमने अपने खेतों से लाया है और साथ में ये प्याज भी लाया हुआ है, तो इसकी सब्जी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो हमारे खेतों में ये सब कुछ अपना उगाया है। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हम लोग अपने घर का ही ज़्यादा चीज़ें यूज़ करते हैं। तो चलिए, वैसे तो कल शॉपिंग आपको पतिदेव ने बता दी थी, आज मैं भी आपको दिखा दूँ कि हम लोगों ने क्या क्या लिया और क्या क्या नहीं। तो ये है धर्मपुर की मेन मार्केट। देखने को तो ये छोटा सा बाजार है, लेकिन जब हम यहाँ गए तो हम लोगों को बहुत सारी ऐसी अच्छी अच्छी चीजें मिली जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते।
तो मुझे यहाँ धर्मपुर में एक दुकान जो कि कपड़ों की थी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी और वहाँ पे प्राइस भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना थोड़ा बहुत शॉपिंग यहीं से की जाए। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ, हम लोगों ने वहाँ पे लहंगे भी देखे और सब कुछ ड्रेसेस वगैरह सब कुछ जो जो वहाँ पे थी। तो मुझे तो उनकी दुकान का कपड़ा बहुत ही ज़्यादा पसंद आया और अच्छे सस्ते दामों में भी मिलता है। तो साजिया क्लॉथ हाउस है यहाँ पे। तो अगर यहाँ कोई भी लोकल सब्सक्राइबर हमारा देख रहा है हमारी वीडियो, तो अगर किसी ने कपड़े वगैरह भी लेने हो तो मुझे तो भाई वो दुकान बहुत ही अच्छी लगी। तो आप लोग भी वहाँ जाइए और ट्राई कीजिए, देखिए वहाँ पे अच्छे सस्ते कीमतों पे हैं, महंगे से महंगे भी हैं बाकी दुकानों से। तो मुझे ये दुकान बहुत ही अच्छी लगी। तो एक बार मैं फिर से बता दूँ आपको, साजिया क्लॉथ हाउस। तो यहाँ पे दोनों भाई बहनों की गपशप हो गई है शुरू। और ये है धर्मपुर का बस स्टैंड। तो हमारे धर्मपुर से यहाँ से हमारा कोई भी सब्सक्राइबर है तो प्लीज हमें कमेंट कीजिएगा ताकि हमें भी पता लगे कि हमारे अपने पड़ोस से भी यहाँ पे हमारे सब्सक्राइबर हैं बहुत ज्यादा। तो हमें भी खुशी होती है और अच्छा भी लगता है बहुत ज्यादा। तो चलिए मिलवाती हूँ आपको साजिया क्लॉथ हाउस से भी, और वहाँ पे रखे हुए लहंगा वगैरह सब कुछ आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये लहंगा भी हमने यहाँ पे देखा और मुझे ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। तो उसका रेट भी ज़्यादा नहीं बताया इन लोगों ने, बिल्कुल अच्छे सस्ते दामों में मिल जाएगा आपको यहाँ पे ये कपड़े वगैरह। तो आप चाहो तो ले सकते हो जो भी यहाँ से है। तो दीदी भी यहाँ पे देख रहे थे कि किस तरह के हैं लहंगे और किस तरह के नहीं। तो ये देखिए, ये है एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही अल्टीमेट। तो ये किसी ब्राइडल ने ही मंगवाया है अपने लिए और ये खुद डिज़ाइन तैयार करवाते हैं। तो सच्ची बात तो ये बताऊं कि दुकान में जाते हैं तो कभी ये पसंद आ जाता है एक मिनट में ही, तो कभी दूसरा, तो कभी तीसरा, यही होता है हमारे साथ भी। तो यहाँ पे हम देखे ही जा रहे थे और खुश होते जा रहे थे कि यहाँ पे भी अच्छी अच्छी वैरायटीज़ हैं। और ये लहंगा है जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर है ये भी। तो आप लोग हमें बताइएगा कि हम लोग किस तरह का लहंगा लें और किस तरह का नहीं। तो आपको हमारी ये ब्लॉग कैसा लगा ये भी बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। और यहाँ पे हमने ढेर सारी शॉपिंग करी और ये बता दूँ मैं, ये मैंने अपने लिए लिया सूट, तो ये दीदी ने मुझे लिया हुआ है जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर लिया। तो हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड और फैमिली मेंबर्स के साथ। तो आज के लिए ब्लॉग की यहीं पे मैं एंडिंग कर रहा हूँ। तो आप लोगों से मिलेंगे जल्द ही न्यू ब्लॉग के साथ।